संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान। नमस्कार, आज हम भाषा विज्ञान की एक तरीके से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दुनिया की भाषाएं अलग अलग भागों में बांटी गई हैं, उनमें से हमारा भारत देश और विशेषकर दक्षिण भाग छोड़ कर के जो भाषाएं बोली जाती हैं वे किस वर्ग में आती हैं, उसी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। आर्य जाति मध्य एशिया से भारत की तरफ आई, उसके कुछ शाखाएं पश्चिम की तरफ यूरोप की तरफ गईं, अफगानिस्तान ईरान की तरफ गईं। इस भाषा परिवार को कई नाम दिए गए हैं, लेकिन भारतीय भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। दुनिया की भाषाएं प्रमुख रूप से 13, हालांकि इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, बांटी गई हैं। इनमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार ही है, और इसी भाषा परिवार की ज़्यादातर भाषाएं सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे ज़्यादा विकसित हैं। चर्चा के इस क्रम में हमारे साथ हैं बालासिनोर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राध्यापक हरिद्वार शुक्ल जी, उनसे सहभागिता करते हुए मैं उनसे कहूँगा कि वे थोड़ा सा संसार की भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, किन आधारों पर किया गया है, संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करें। धन्यवाद त्रिपाठी जी। मैं ये चाहूँगा कि आज का जो विषय है भारतीय कुल, तो इसका संबंध किस दृष्टि से और किसके साथ जुड़ा हुआ है। अमूमन अगर देखा जाए तो संसार की जो भाषाएं हैं लगभग उनकी संख्या निश्चित तो नहीं है, लेकिन लगभग 3000 के आसपास के हैं, और इनमें से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, या हम कहें कि भाषा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से, यदि संसार की समग्र भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से उसके जो आधार हैं वे दो हैं। एक आधार जो है वह आकृति मूलक है, और दूसरा जो आधार है वह है पारिवारिक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। जहाँ तक आकृति मूलक वर्गीकरण का प्रश्न है, वहाँ तक इसका जो वर्गीकरण है वह रचना तत्व को केंद्र में रखकर किया गया है, परंतु जो पारिवारिक वर्गीकरण है भाषाओं का, उसमें रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व को भी ध्यान में रखा गया है। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारी भाषा का संबंध जिस भाषा परिवार से है वह भाषा परिवार भारतीय कुल के नाम से या भारतीय परिवार के नाम से जानी जाती है। जिस भाषा का प्रयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं उसका मूल भी इसी भाषा परिवार से है, और अगर देखा जाए तो लगभग, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई निश्चित संख्या नहीं है इस वर्गीकरण की, तो अलग अलग भाषा विज्ञान की पुस्तकों में अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो अमूमन
13, 14, 16, 18 ये एक वर्गीकरण हमें दिखाई देता है। और इस संदर्भ में अगर हम दो चार नाम गिनाएं जो महत्वपूर्ण नाम हैं, तो जैसे भारोपी परिवार है जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। त्रिपाठी जी ने उल्लेख किया कि इसकी भाषा उत्कृष्ट समृद्ध है, संसार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वह लैटिन है, अंग्रेजी है, फारसी है, संस्कृत है, और इन तमाम भाषाओं का जो मिला जुला रूप है वह इस भारोपीय कुल के अंतर्गत आता है। जो हाँ, थोड़ी हम यह भी चर्चा करते चलें कि यह जो भारोपीय कुल नाम दिया गया, इसमें अतिव्याप्ति का दोष आपको नज़र आता होगा। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भारत की ही दक्षिण की भाषाएं अलग कुल की हैं जिनका नाम है द्रविड़ कुल। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वे सब आर्य जाति के लोग हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसे आर्य भाषा परिवार दिया जाए या आर्य कुल दिया जाए तो संगत ना होगा? इस पर चर्चा करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि कम से कम इस बात पर भी प्रकाश डाल लिया जाए कि भारोपीय कुल का जो नामकरण किया गया है उसके कौन कौन से आधार हैं। तो मूल रूप से जो इसके आधार हैं वह तीन हैं। एक है जाति है, दूसरा भाषा है और तीसरा स्थान है। यदि हम जाति को ध्यान में रखकर इस भाषा परिवार के नामकरण पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जो सबसे पहले बात उभर कर आती है वह यह है कि जाति के आधार पर इस परिवार के लिए कुल तीन नाम सुझाए गए। एक नाम जो है वह जेफिटिक है, दूसरा जो नाम सुझाया गया वह आर्य है। आपने जिस बात का उल्लेख किया कि अगर ये नाम होता तो उसी के संदर्भ में आर्य नाम भी सुझाया गया है जाति के आधार पर, और तीसरा नाम जो है वह विरास सुझाया गया है। अब इन तीनों नामों को अगर ध्यान में रखकर हम इस पर नज़र डालें तो जो बात उभर कर आती है, ये तमाम बातें जो हैं वह एक अध्यापक के रूप में हमें तमाम भाषा वैज्ञानिक पुस्तक भाषा विज्ञान की पुस्तकों में से हमें उपलब्ध होती हैं, और अध्ययन के फलस्वरूप जो बातें निकल कर आती हैं इस संदर्भ में वह ये है कि जेफिटिक जो नाम सुझाया गया है वह सेमेटिक हेमेटिक परिवार के जो दो भाई हैं सेम और हेम, उनके नाम पर सेमेटिक और हेमेटिक भाषा परिवार सुझाया गया। उसी के आधार पर सेम और हेम के भाई जेफ जो थे उसके नाम पर इस परिवार के लिए जेफिटिक नाम सुझाया गया। लेकिन यह नाम सर्वस्वीकृत इसलिए नहीं हो पाया कि आगे चलकर इससे और उपयुक्त नाम हमारे सामने आया। दूसरा जो नाम सुझाया गया है वह आर्य सुझाया गया है। अब जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि अगर आर्य नाम सुझाया जा रहा है तो इसके तमाम बोलने वाले जो हैं वह आर्य हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और अगर हम आर्यों के मूल रूप को भी देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आर्य जो हैं वह यूरोप के किसी भूभाग में रहते थे और समयांतर पर ये अपने अलग अलग समूहों में दो तीन बार अलग अलग जगहों पर गए। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का एक समूह जो है वह ईरान चला गया, एक वहीं यूरोप के भूभाग में रह गया, और एक जो दूसरा समूह था वह भारत में प्रवेश किया। और ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों का आगमन लगभग दो बार हुआ है। लेकिन एक तर्क तो ये दिया जाता है कि तमाम इसके बोलने वाले आर्य नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ईरानी उपकुल का एक नाम भी आर्य है और इसीलिए इस नाम को भी सर्वस्वीकृति नहीं मिली। हाँ, अब हम लोग इस पर चलें
कि भारोपीय भाषा परिवार, अब उसको भी विभागों में बांटा गया, क्योंकि क्रमशः परिवार बढ़ते गए। जिस तरह से एक परिवार, उस परिवार की अगली संतान, उन परिवारों का फिर अलगाव, फिर अगली पीढ़ी, ठीक इसी तरीके से दुनिया का विकास हुआ है तो भाषा का भी विकास हुआ है। तो यह जो भारतीय भाषा परिवार है, इनको मुख्य रूप से तो दो वर्गों में बांटा गया, किंटुम और शतम के रूप में। अब विद्यार्थियों के लिए जरूरी ये है जानना कि यह वर्ग जो किंटुम और शतम के रूप में बांटा गया, तो इसका आधार क्या है। जैसा कि शतम तो स्पष्ट है कि 100, किंटुम का अर्थ भी 100 ही होता है। यहाँ विद्यार्थियों को जानना ये जरूरी है अब कि ये जो दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों की इनके क्या क्या नाम हैं, और यहाँ हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि इन वर्गों के बांटने के आधार क्या हैं। कारण ये कि विद्यार्थियों के लिए इतना ही उपयोगी भी रहेगा और इस व्याख्यान के दौरान समय की शायद कमी भी पड़ जाए, तो इसलिए केवल इस पर चर्चा कि केंटुम और शतम और इनके जो अलग अलग विभाग हैं, वे उन विभागों के नाम क्या हैं और उन विभागों में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। उसके बाद हम इस पर चलेंगे कि उनकी विशेषता क्या है, कौन सी भाषाएं ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा संस्कृत हैं, जिनमें पर्याप्त ही नहीं विश्व स्तर का साहित्य मिलता है। तो केंटुम वर्ग से इसकी शुरुआत करें। जरा अब अपनी चर्चा जब कर रहे थे तो वो दो एक नाम जो इसके लिए सुझाए गए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए जब भारोपी परिवार का परिचय देना होता है, खास करके जब एग्जाम देते हैं और उसमें प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, तो इनका उल्लेख करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अभी अब वो उन वर्गों पर जाने से पहले थोड़ा प्रकाश इस पर भी डाल दें जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये भाषा परक नाम और स्थान के आधार पर जो नाम सुझाए गए हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि जाति के आधार पर एक विरास नाम भी इसके लिए सुझाया गया है, और ये नाम उपयुक्त भी है क्योंकि इस भाषा के बोलने वाले जो आदिम जाति के लोग थे वे विरास ही थे, लेकिन इसका कोई पुष्ट प्रमाण हमारे सामने नहीं मिलता है। दूसरा जो नाम इसके लिए सुझाया गया वो इंडो केल्टिक और सांस्कृतिक नाम सुझाया गया है, जो नाम भाषा परक है। अब जब हम देखते हैं तो पूर्वी यूरोप और आसपास का जो प्रदेश है, उस प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वह केल्टिक नहीं है, और दूसरा नाम जो भाषा परक के रूप में सुझाया गया है वह हमारी जो आदि भाषा है संस्कृत के नाम पर सांस्कृतिक नाम इस भारोपी परिवार के लिए सुझाया गया, लेकिन यह नाम भी सर्वसम्मति से उपयुक्त साबित नहीं हुआ। तीसरा जो आधार दिया गया इसके नामकरण के लिए वह है स्थान के आधार पर, और स्थान के आधार पर इसे इंडो जर्मनिक और इंडो यूरोपियन नाम सुझाया गया, और यही इंडो यूरोपियन नाम जो भारोपीय कुल के नाम से जाना जाता है, यही सबसे उपयुक्त नाम इस वर्तमान समय में भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। चर्चा के दरमियान आप जिस अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का उल्लेख आप कर रहे थे उसमें इस नाम को लेकर ही है कि जब हम भारोपी परिवार का नामोल्लेख करते हैं और जब इसे इस समय वर्तमान समय में इसे एक सर्वस्वीकृत नाम दिया गया है, तो सबसे पहले बात ये उभर कर आती है कि भारत भारोपी परिवार में भारत और यूरोप की तमाम जो भाषाएँ हैं उन तमाम भाषाओं का उल्लेख या चर्चा इसके अंतर्गत होता है। लेकिन जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली जो बात उभर कर आती है वह यह है कि हमारे देश की ही जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वह अलग परिवार में आती हैं।
उसका संबंध भारोपी परिवार से नहीं है, इसलिए इसमें एक अतिव्याप्ति दोष भी दिखाई देता है कि इसका विस्तार जो है वह ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ जब हम भारोपी का उल्लेख करते हैं तो इसमें जो इसकी एक महत्वपूर्ण भाषा जो इस परिवार की है वह ईरानी है, और ईरानी भाषा जो है वह इससे अलग हो जाती है। भारोपी से मतलब अगर हम निकाल लें तो भारत और यूरोप की भाषा, तो ईरानी छूट जाती है। तो इसमें अव्याप्ति दोष भी है, अर्थात इसका जितना विस्तार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और वहीं दूसरी ओर जो चीज़ें नहीं हैं उसमें इसका अधिक विस्तार भी हो गया। तो ये त्रुटियाँ तो ज़रूर हैं, बावजूद इसके भारोपी कुल ही आज इस परिवार के लिए सर्वस्वीकृत नाम है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारोपी परिवार का जो विभाजन किया गया है वह विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो अध्ययन के फलस्वरूप आधार पर जाएंगे तो हम बहुत लंबे हो जाएंगे, इसीलिए वर्ग पर हम चलें। अच्छा, हाँ, कि किन वर्गों में बांटा गया है, और क्योंकि विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद यही ज़्यादा रहेगा, इसलिए वर्गों किंटुम और सतम वर्ग पर हम लोग विद्यार्थियों को कुछ लाभप्रद जानकारियाँ दें। अब मुख्य रूप से जो भारोपी परिवार की भाषाएं हैं उन भाषाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला वर्ग जो है वह केंटुम वर्ग है, और दूसरा वर्ग जो है वह सतम वर्ग है। केंटुम वर्ग की जो केंटुम वर्ग के जो भाषा उपवर्ग हैं उनमें जर्मनिक एवं ट्यूटानिक, दूसरा केल्टिक, तीसरा इलेटिक, चौथा ग्रीक, पांचवा हिटाइट।